दोस्तों नमस्कार। आज जंतर मंतर दिल्ली पर पीएसएल के निवेशकों का पैसा वापसी कराने के लिए और सभी चिट फंड कंपनियों के एजेंटों को निवेशकों के इंसाफ दिलाने के लिए एआईएसओ के बैनर तले एक बहुत बड़ी महासभा होने वाली है और यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी उपस्थित होंगे जो पीएसएल निवेशकों के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। सभी चिटफंड कंपनी के निवेश के पैसा वापसी कराने के लिए यहां पर एकत्र हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पिछले 4 सालों से सभी निवेशक परेशान थे, अब तक क्यों नहीं आई ये राजनीतिक पार्टियाँ, अभी क्यों आ रही हैं? तो एक इसका बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भारतीय लोक सेवा दल का गठन हुआ था जंतर मंतर पर, जो एक राजनीति पार्टी बनकर के उभरी है पीएसएल के निवेशकों की आवाज़ उठाने के लिए, सभी चिटफंड कंपनियों के पैसे वापसी दिलाने के लिए जो आवाज़ उठाई गई है उसका भी कुछ दबाव है राजनीतिक पार्टियों पर। उन्हें एक डर है कि करोड़ों की संख्या में पीएसएल के निवेशक हैं, एजेंट हैं, कहीं भारतीय लोक सेवा दल बाजी ना मार जाए, ये भी कहीं ना कहीं डर उनको सता रहा है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एआईएसओ के जो अध्यक्ष हैं उनकी वीडियो में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और जो 2 फरवरी को जंतर मंतर पर धरना होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चूसने वाली सरकार, इसने बहुत सारी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन देकर के और इनके गृह मंत्री और इनके वित्त मंत्री फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाने के बाद में लोगों से कहते हैं इन कंपनियों को आप पैसा दो। और इस देश के 10 करोड़ गरीब लोगों को, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिए, 10 करोड़ गरीब लोगों का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सैनिक भाइयों, आपकी तो 2,800 करोड़ रुपए की लड़ाई है। गरीबों पर 2 लाख करोड़ रुपए जिन्होंने किसी बेटी के लिए, बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करवाया था, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करवाया था, बहुत सारी हमारी बहनों ने अपने पतियों से छुप छुप करके पैसा जमा करवाया था, आज 2 लाख करोड़ रुपए लूट करके इनको लीगल इश्यूज में फंसा दिया जाता है और उन कंपनियों के लीगल एडवाइजर और एडवोकेट कौन होते हैं? इस देश का चौथा ही आदमी जिसको मैं कहता हूं अरुण जेटली साहब। आप ये देखिए, एक कंपनी जो पीएसएल थी जिसका जिक्र बार बार हुआ, 50,000 करोड़ रुपए केवल एक कंपनी लूट करके ले गई और 6 करोड़ प्रभावित है। और आप देखिए जिन लोगों से पैसा लगाया वो उन्हीं समाज के बीच के लोगों से है, 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और भाइयों आज जो गरीबों ने पैसा दिया था वो पैसा उन लोगों को दिया था और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं कह रहा हूं कि ये इस देश के उस नागरिक का मौलिक अधिकार है कि कम से कम वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। मेरे सैनिक भाइयों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि 2 फरवरी को यहाँ पर एक महारेल आएगा उन पीड़ित लोगों का और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उस दिन मेरे सैनिक भाई कंधे से कंधे मिला करके उन पीड़ित नागरिकों के साथ खड़े होंगे, उन पीड़ित एजेंटों के साथ खड़े होंगे जो आज घर से बाहर नहीं निकल रहे। और मैं कह रहा हूँ इंकलाब। और आखिर में हम एक बात जरूर कहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे चाहिए, वो तो सबसे बड़े झूठे का अवार्ड उनको मिलना चाहिए।
देश में इतना बड़ा कॉरपोरेट स्कैम है, इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम है। उन चिट फंड कंपनियों में एक आप सब लोगों ने भी सुना होगा, एक पल्स ग्रुप है पीएसएल, 6 करोड़ फैमिलियों को लूटा गया, 6 करोड़ थी जिसका जिक्र बार बार हुआ।
50,000 करोड़ रुपए केवल एक कंपनी लूट करके ले गई और 6 करोड़ प्रभावित है। और आप देखिए जिन लोगों से पैसा लगाया वो उन्हीं समाज के बीच के लोगों से है। 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और भाइयों आज जो गरीबों ने पैसा दिया था वो पैसा उन लोगों को दिया था और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं कह रहा हूं कि ये इस देश के उस नागरिक का मौलिक अधिकार है कि कम से कम वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। मेरे सैनिक भाइयों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि 2 फरवरी को यहां पर एक महारेल आएगा उन पीड़ित लोगों का। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उस दिन मेरे सैनिक भाई कंधे से कंधे मिला करके उन पीड़ित नागरिकों के साथ खड़े होंगे, उन पीड़ित एजेंटों के साथ खड़े होंगे,